I have a small and wonderful question to ask you today. What is stopping you? नहीं समझे? मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आपको आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपके जो भी आपके मिशन है, आपका विजन है, उसको अचीव करने के लिए या उसको अचीव करने से आपको क्या और कौन रोक रहा है? सोचिए, सोचिए व्हाट इज स्टॉपिंग यू। तब तक मैं आपको जरा अपने और हमारे चैनल के बारे में थोड़ी चीजें बता दूं। दोस्तों, यह है अन अकेडमी सीए फाइनल चैनल और आपका स्वागत है इस अमेजिंग मोटिवेशनल क्लास में। हम लोगों ने सीए फाइनल के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 20, हम लोगों ने मई 21 के अटेम्प्ट्स के लिए बैच स्टार्ट कर दिए, विच यू कैन ज्वाइन। डेली क्वेश्चन बैचेस भी होते हैं, योद्धा बैच सीए इंटर एस्पिरेंट्स के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है और एक वार्म अप बैच भी लॉन्च किया हुआ है फॉर लाइक नवंबर 21 अटेम्प्ट के बच्चों के लिए। सो यू गाइज कैन टेक अ लुक एट ऑल दिस क्लासेस एंड मे बी यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस क्लासेस वेरी सुन। अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा सीए फाइनल का एक जगह पर लिंक मिले तो यू नो वेयर टू गो, इट्स द लाइव डेली डॉट मी /CAFinalLive। आप यहां पर जाएंगे तो आपको आईसीआई रिसोर्सेज, यू नो, वीडियो लेक्चर्स एंड एवरी दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू विल गेट इन वन प्लेस। इट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग टू डू। नाउ एट अनअकैडमी हम लोग तीन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हैं बेटा, हम लोग तीन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। एक है यूट्यूब क्लास, स्पेशल क्लास, प्लस क्लास। यू नो व्हाट हैपेंस, यू नो दैट यूट्यूब इज ऑलवेज फ्री, करेक्ट? डिड यू नो दैट स्पेशल क्लासेस आर ऑल्सो फ्री एंड यू कैन अटेंड ऑल दिस स्पेशल क्लासेस बट यू नीड टू अनलॉक द ऐप। जी हाँ दोस्तों, ये रेफरल कोड दिख रहा है सी ए आदर्श, यू नो बाय द वे आई एम सी आदर्श, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ लेटर ऑन, बट ये जो सी ए आदर्श रेफरल कोड दिख रहा है, दिस रेफरल कोड हैज अ पावर टू अनलॉक अ स्पेशल क्लास। यू नो वॉट यू कैन डू, यू कैन अनलॉक दिस स्पेशल क्लास और आप सारे स्पेशल क्लासेस फ्री में देख पाएंगे, मेरे अकेले के नहीं, सारे फैकल्टीज के जो यहां पर पढ़ा रहे हैं, पूरे अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। एक और बात, ये रेफरल कोड एक और काम करता है दोस्तों, ये रेफरल कोड एक और काम करता है। क्या काम करता है ये रेफरल कोड? आपको प्लस क्लास का भी एक्सेस देता है जो कि फ्री नहीं, पेड होती है। तो अगर आप ये रेफरल कोड यूज करके प्लस क्लास खरीदते हो तो आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिलता है इन बाइंग प्लस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, व्हाई वन शुड गो एंड बाय प्लस सब्सक्रिप्शन, ये भी मैं आपको जरा बताना चाहता हूं। उससे पहले हम लोग जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। आपको जाना है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड और आईओएस, वट एवर डिवाइस यू हैव, गो टू प्ले स्टोर, आईओएस स्टोर, टाइप इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप और जल्दी से उसको फ्री ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। एंड वंस यू आर देयर, एक बार आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको वहां पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है अपना गोल सीए एंड सीएस, उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है सीए फाइनल, उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है प्लस, एंड देन उसके अंदर आपको जाना है। जैसे आप प्लस में जाएंगे उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेने कहा जाएगा। लेकिन आप स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस आप देख सकते हो, मैंने आपको कहा है, आपको बस करना क्या है, स्पेशल क्लासेस अनलॉक करनी है यूजिंग सीए आदर्श एज योर रेफरल कोड। अब नाउ प्लस क्लास का सर व्हाट इज द लाइक फीस और यू नो पेमेंट स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट प्लस क्लास? आपके पास 1 मंथ से 24 मंथ तक इतने फ्लेक्सिबल ऑप्शन है। और अगर आपको ये रेट ज्यादा लग रहा है तो जस्ट देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है सर डू यू हैव अ रेफरल कोड? यस आई एम गिविंग यू अ रेफरल कोड, दैट इज सीए आदर्श। जैसे ही ये रेफरल कोड आप लगाएंगे और प्रोसीड टू बाय करेंगे, आपको देखना ये सारे अमाउंट 10-10% से माइनस हो जाएंगे। 5000 बिकेम 4500, उसी तरह 40000 बिकेम 36000। आप सारे अमाउंट 10-10% से कम हो जाएंगे, फिर बेस्ड ऑन व्हाट यू लव, आपको क्या लगता है, व्हाट व्हिच गोल वुड बी लाइक, व्हाट काइंड ऑफ अ सब्सक्रिप्शन आई लुकिंग फॉर, वो अपने लिए अपना परफेक्ट चूज करके आप यहां पर बाय कर सकते हैं। और अगर आप 24 मंथ 12 मंथ बाय करते हैं तो नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन इसमें आ सकता है, प्लीज उसको एक बार जरा चेकआउट कर लीजिएगा। डोंट फॉरगेट द रेफरल कोड सी आदर्श बिकॉज इट विल गिव यू 10% ऑफ फॉर श्योर। नाउ इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट आप ऐसी अमेजिंग लेक्चर्स देखते रहे और भी अमेजिंग बैचेस आपके सामने आती रहे, और आपके बेल, आपके फोन का बेल बजे जब भी हम आपके सामने आए। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज livedaily.me/CAFinal, ये हमारा सीए फाइनल का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। और हमारे सारे नोट्स, हमारे अपकमिंग क्लासेस, हमारे वीडियो के लिंक्स और बहुत सारे रिसोर्सेज आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जो आप अभी भी यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। नाउ वी आर बैक टू द क्वेश्चन वेयर वी स्टार्टेड, व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉपिंग यू गाइस? ओके, लेट अस टेक अ सिनेरियो। ओके, प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूं उसको आप सोचिए। इमेजिन अ पर्सन, एंड आई एम बीइंग सीरियस, प्लीज इमेजिन अ पर्सन विदाउट आर्म्स। यस, प्लीज प्लीज इमेजिन अ पर्सन विदाउट आर्म्स। ऐसा ही किसी के बारे में सोचिए जिसको हाथ नहीं है, ठीक है? हैव यू इमेजिन इट?
him or her was the case, maybe depending upon what you are imagining. So now I'll give you some of the activities and you'll have to say me which of the following activities is possible or impossible for a person without arms. Okay, so God se dekhna. इससे पहले कि हम लोग वहां जाए मैं आपको एक और थॉट बता दूं दैट विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स दे डू थिंग्स डिफरेंटली अ वेरी अमेजिंग थॉट बाय शिवकिरा विच आई जेन्युइनली आई लव दिस थॉट एंड आई ट्रूली फॉलो दिस दैट ऑल यू हैव टू डू इज द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे. सो नाउ इससे पहले कि आप लोगों को मैं वो दिखाऊं कि वॉट ऑल थिंग्स आर देयर दैट यू कैन आंसर वेदर अ पर्सन विदाउट आर्म्स कैन डू और कैन नॉट डू लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिकॉज यू डोंट नो मी येट. दोस्तों मेरा नाम है सी आदर्श जोशी. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ प्रोफेसर बाय पैशन एंड अ फैबुलस एंड वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ. दैट इज द रीजन आई हैव बीन टीचिंग लॉ फ्रॉम सो मेनी इयर्स नाउ. आई हैव डन माय बीकॉम फ्रॉम रियान मार्शल कॉलेज ऑफ कॉमर्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउन्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हियर इन पुणे एंड आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल ऑल लॉ सब्जेक्ट्स. ऑल्सो मैं बता दूं आई हैव अपलोडेड इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आई हैव अपलोडेड 400 और मे बी आई थिंक ऑलमोस्ट 500 वीडियोज for students who are going to appear in the upcoming exams all with respect to law. So you can actually trust me when I say that I am a lawman because I love law and that is my passion. That is the reason I started teaching in the first place. So I'm very happy to join you guys for the CA Final, Unacademy CA Final channel. And dosto, main aapko bata do, you guys can actually follow me on this Unacademy app jo maine abhi jisko mention kiya. All you have to do is just click on the link that is there in the description of this video as well. And or else you can, you know, open an app and simply search for see Adarsh Joshi and I'll be there in front of you. Dosto, aap logo ke pyar ke vajah se I could achieve so many things in very less amount of time and I expect you guys to keep on showering your love upon me. Thank you from the bottom of my heart. Thank you. Now, मैंने आज जैसा कि आपको promise किया था कि I'll show you some of the items, some of the things that a person without arms may or may not do. May not be able to do, I would say. So, आप बताइए इनमें से कौन सी चीजें आपको लगती है कि a person without arms can never do it? Let us take an example. Fly a plane. क्या आपको लगता है एक बंदा जिसको हाथ नहीं है वो कभी प्लेन उड़ा पाएगा? क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा बंदा है जिसको हाथ नहीं है वो he or she will be a black belt in American Taekwondo? अच्छा चलो drive a car तो हो पाएगा ना, बिना हाथों के कार तो drive की जा सकती है, नहीं? अच्छा क्या कार में ऑयल या अपना कार में पेट्रोल या डीजल नहीं भरा जा सकता बिना हाथ के? सर दूसरे लोग भरते हैं. लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री की बात करो जहां पर आपको खुद से कार में पेट्रोल भरना होता है, व्हाट कैन यू डू देयर? कैन यू पंप गैस इन योर कार? सर ड्राइव ही नहीं कर सकते, पंप गैस क्या करेंगे? अच्छा चलो टाइप तो कर पाओगे ना. अरे सर क्या बात करो, हाथ नहीं है मैं कैसे टाइप करूं? एक बात बताओ, एटलीस्ट पियानो तो बजा सकते हो. पियानो में क्या है? अरे सर आप सटिया गए हो क्या? सर आप बोल रहे हो ऐसे पर्सन को इमेजिन करो जिसको हाथ नहीं है. आप समझ रहे हो वो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर समवन विदाउट हैंड्स टू प्ले अ पियानो. अच्छा कॉन्टैक्ट लेंसेस तो लगा निकाल सकते हैं. अरे यार सर आप क्या बात कर रहे हो? सो व्हाट यू वांट टू से इज दिस इज इम्पॉसिबल. All that you want to convey is this is impossible. A person without hands cannot do any of this and hence he cannot even motivate others to do anything. क्योंकि वो खुद एक प्लेन नहीं चला सकता, ब्लैक बेल्ट नहीं हो सकता, कार नहीं चला सकता, ही कांट पंप गैस, ही कांट टाइप, ही कांट प्ले, ही कांट राइट, ही कांट यूज कॉन्टैक्ट लेंसेस. इसका मतलब ही और शी जो भी है दे कांट मोटिवेट यू. इज दिस व्हाट यू वांट टू से? तो आप कहना चाहते हैं कि एक बंदे के पास अगर दो हाथ नहीं है तो दैट इज व्हाट इज स्टॉपिंग हिम और हर टू अचीव दिस ऑल दिस थिंग्स. क्या आप यह कहना चाहते हैं कि किसी के पास हाथ नहीं है तो ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकता है? द एब्सेंस ऑफ हिज हैंड्स आर स्टॉपिंग हिम फ्रॉम अचीविंग दिस. यू गाइज आर एब्सोल्यूटली रॉन्ग. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ जेसिका कॉक्स. जेसिका कॉक्स इज द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइसेंस्ड आर्मलेस पायलट एज वेल एज फर्स्ट आर्मलेस ब्लैक बेल्ट इन अमेरिकन टाइक्वांडो एसोसिएशन. बोर्न विदाउट आर्म्स ड्यू टू अ रेयर बर्थ डिफेक्ट शी यूजेस हर फीट टू ड्राइव अ कार, पंप गैस, टाइप, प्ले पियानो, इंसर्ट एंड रिमूव हर कॉन्टैक्ट लेंसेज. नाउ आई आस्क यू द क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? सर दिस कैन नॉट बी ट्रू. आपने किसी का फोटो उठा लिया है, आपने अपने मन से चीजें लिखी है, ये इसमें ट्रूथ नहीं है. गाइस कोई बात नहीं, आइए देखते हैं. शी वॉज बॉर्न इन फेब्रुवरी 2, 1983 इन सियरा विस्ता एरिजोना. जेसिका वॉज बॉर्न विद अ रेयर कॉन्जेनिटल कंडीशन दैट वॉज अनडिफेक्टेड ऑन हर पेरेंट एनी पेरेंटल टेस्ट. मैं आपको बता दूं, अगर इफ यू डोंट ट्रस्ट मी ऑल यू हैव टू डू इज गूगल.
गूगल विल टेल यू ऑल द आंसर्स. इनका खुद का एक साइट है, इनका खुद का यू नो मोटिवेशन एक सर्विस ही प्रोवाइड करता है. इनके यूट्यूब पे इतने वीडियोस मिलेंगे आपको दैट यू विल फील दैट नन ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर यू नो आर इवन क्लोज टू 1% ऑफ व्हाट दिस गर्ल फेस्ड इन हर लाइफ. ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, मैं एक इंटेंशन से कर रहा हूं और वो इंटेंशन एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाए. फर्स्ट लेट अस सी कि जेसिका का लाइफ कैसा रहा. यू नो जेसिका परफेक्टली हेल्दी है अदर देन जस्ट एब्सेंस ऑफ हर आर्म्स एंड शी यूज्ड टू यूज प्रोस्थेटिक्स इन द स्कूल अंटिल शी टर्न 14 एंड देन वंस फाइन डे शी सडनली गेव अप प्रोस्थेटिक्स. उसने बोला कि नहीं यार मैं ये आर्टिफिशियल हैंड्स आई विल नेवर यूज प्रोस्थेटिक्स इन माई लाइफ 14 ईयर्स ऑफ एज चैलेंजिंग द वर्ल्ड कि मैं मुझे इस प्रोस्थेटिक हाथ की जरूरत नहीं है. आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई पुट सेट माई माइंड इन टू. एंड देन वोविंग नेवर टू गो टू स्कूल विद प्रोस्थेटिक अगेन. जेसिका प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द क्वेश्चंस एंड स्टेयर्स बट शी फेल्ट फ्रीयर विद देम गॉन. लर्निंग टू डू एवरीथिंग विद हर फीट एज अ चाइल्ड शी होल्ड्स एन अनरिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर्स लाइसेंस एज इज एंड इज एन एक्टिव स्विमर. आप इमेजिन करो अ 14 ईयर ओल्ड चाइल्ड सेइंग आई विल नेवर यूज प्रोस्थेटिक इन माय लाइफ. गॉड मेड मी लाइक दिस. आई कैन मैनेज विदाउट प्रोस्थेटिक्स. आई कैन वर्क विथ व्हाट आई हैव. आई डोंट नीड एनीवन सपोर्ट. आई डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा. आई कैन वर्क विथ व्हाट आई हैव. दोस्तों परेशानियां किसको नहीं होती यार. किसको तकलीफें नहीं होती. किसको काम नहीं होते. हर चीज मैनेज करके हमको हमारा सही चीजों के लिए सही वक्त एक फोकस के लिए हमको काम करना पड़ता है. आप और मैं आज 15 घंटे 20 घंटे पढ़ने के लिए स्ट्रगल करें. देयर शी वॉज अ 14 ईयर्स ऑफ गर्ल स्ट्रगलिंग. शी वॉज ट्राइंग टू ईट विथ अर फीट. क्या है उसके सामने आपका 12 घंटे के पढ़ाई का स्ट्रगल. क्या हो जाएगा अगर एक अटेम्प्ट एग्जाम नहीं हुई. दिस इज अ लाइफ चेंजिंग सिचुएशन दैट शी इज इन राइट नाउ. दोस्तों आपको तो पता ही है कि ऑफ कोर्स इफ यू डोंट हैव हैंड्स तो ऑफ कोर्स अगर आर्म्स ही नहीं है तो वो क्या खेलेगी. वो ग्राउंड में जाती थी उसको खेलने के लिए भी कुछ चीजें नहीं मिलती थी. रेस्ट्रिक्टेड रहता था. शी यूज्ड टू ड्रीम कि एक दिन मैं एक सुपर वुमन बन जाऊं. एक छोटी बच्ची यार वो छोटी सी बच्ची सोचती मैं एक दिन एक सुपर वुमन बन जाऊं और मैं उड़ के यहां से चली जाऊं. यू नो व्हाट शायद आप और मैं कभी एक प्लेन फ्लाई ना कर सके बट एक छोटी सी लड़की जिसका ड्रीम था कि सुपर वुमन बनकर उड़ना शी इज अ लाइसेंस्ड पायलट टुडे. ऐसे किसी स्पीच में एक एनजीओ के लोगों ने उसको उनको सुना और उनको अपॉर्चुनिटी दी और कहा कि क्या आप प्लेन उड़ाना चाहेंगे. एंड शी वॉज एक्साइटेड. शी सेड यस. 6 months का यूजुअली ट्रेनिंग लगता है. शी हैड टू अंडरगो 3 years ऑफ रिगरस ट्रेनिंग. उसके लिए बहुत सारे यू नो 89 hours ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग. बहुत सारे 3 different states में करना पड़ा. 4 plane बिल्टअप किए थे विदाउट रदर पेडल्स. एंड टू अचीव हर ड्रीम ऑन द डे डेट आपको लिखा है 10th of October 2008 शी एक्चुअली अचीव फुलफिल्ड हर ड्रीम्स. तो आई गेस देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू सेट योर माइंड इन टू. सर यहां पर तो बंदी रुक गई होगी. सर अभी हम इसको सर्च करेंगे बट यहां पर तो बंदी रुक गई होगी. सर इससे अच्छा क्या हो सकता है. दोस्तों इससे अच्छा हो सकता है नेवर टू स्टॉप फाइटिंग इन योर लाइफ. शी डिडंट स्टॉप एट बीइंग अ पायलट. नो इन फैक्ट शी स्टार्टेड ऑन विथ सो मेनी थिंग्स आफ्टर दैट. Outside flying, Jessica is also first armless black belt in Taekwondo and enrolled in gymnastics, dancing, swimming and Taekwondo as a child. As a child, Jessica continued her studies in the martial arts to further her self-confidence and she earned her first black belt when she was in 7th grade. And now she holds a second degree black belt. She didn't stop and she will not. Wo continue because she's a fighter. See, best part about this life is the moment you achieve your goal, you should set another one for yourself or else you will lead a aimless life, which is the bolte na ki wo ek radioactive life hai jo sirf aapko hi nahi aapke around har ek kisi ko barbaad kar sakti hai. A person without an aim, a person without a goal is literally running nowhere and is still running. So he gets frustrated. He makes everyone around frustrated.
तो ग्रेजुएशन किया उसने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से विद अ डिग्री इन साइकोलॉजी एंड जेसिका इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड हैज स्पोकन इन 18 डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो शी इज अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हैव यू एवर डन स्कूबा इन योर लाइफ एंड शी इज अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर जेसिका लव्स हर रोल एज अ मोटिवेशनल मोटिवेटर सेइंग आई वांट टू पीपल एंड आई कोट आई वांट पीपल टू थिंक हे इफ शी कैन डू सो मच विदाउट आर्म्स देन आई कैन डू सो मच मोर विद माई लाइफ एंड दैट इज अ वेरी फैबुलस थॉट अल्टीमेटली जब सब मैं देखता हूं ना मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा है और मैं फिर से आपको वही पूछने वाला हूं लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं आज जेसिका क्या करिए ना टुडे शी इज मैरिड टू अ टाइक्वांडो इंस्ट्रक्टर पैट्रिक चैम्बरलेन एंड इन्वॉल्व इन सेवरल चैरिटी इंक्लूडिंग इंटरनेशनल चिल्ड्रन एसोसिएशन नेटवर्क वेयर शी हैज बिकम अ रोल मॉडल फॉर अदर गर्ल्स विदाउट आर्म्स एंड शी इज द हेड ऑफ हर ओन कंपनी जेसिका कॉक्स मोटिवेशनल सर्विसेज यू कैन सर्च ऑनलाइन फॉर हर सर्विसेज एंड यू इनफैक्ट यू कैन गूगल एंड यू विल फाइंड प्रीटी मच एवरीथिंग अबाउट हर एंड हैज टेकन हर मैसेज टू द वर्ल्ड on the people around, including the poor. So this is the impact that an armless girl can do. Now my question to you is, what is stopping you? ऐसी कौन सी चीज है जो आज अभी इस वक्त आपको आपके गोल अचीव करने से रोक रही है? आलस आता है पढ़ने? Searching for motivational videos outside? Why? Can't you motivate yourself? क्या आपका गोल उतना motivating नहीं है? Then why are you doing CA? डोंट डू सी ए सिंपल एज दैट इफ द गोल अरे यार सपने ऐसे देखो ना कि आपका सोना दुर्बल कर दे सपने ऐसे मत देखो जिसके लिए बार बार मोटिवेशन चाहिए ना 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 ड्रीम समथिंग दैट यू डिजायर डोंट ड्रीम समथिंग दैट पीपल डिजायर आउट ऑफ यू ड्रीम समथिंग दैट यू डिजायर योर ड्रीम शुड नॉट लेट यू स्लीप एट नाइट डोंट लुक फॉर मोटिवेशन आउटसाइड लुक विद इन आई रिपीट माई क्वेश्चन वॉट इज स्टॉपिंग यू टूडे क्या रोकता है आपको 12 से 15 घंटे पढ़ने से क्या रोकता है आपको कि चलो खाना नहीं खाया तो भी मैं पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा मैं 18 घंटे पढ़ सकती हूं या पढ़ सकता हूं क्या रोक रहा है मूड नहीं होता बोर होता है लाइट चली गई है बुक्स नहीं मिल रही है ऑनलाइन एजुकेटर टाइम पे नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल रहा है क्लासेस का पैसा नहीं है क्या वॉट इज द प्रॉब्लम गाइज गाइज एटलीस्ट यू हैव हैंड्स यू नो वॉट There are people without arms and legs also achieving so much in their life कि अगर मैं बता दूं तो हम शर्मसार हो जाए Maybe next time I'll bring you another story with a person who does not have hands, he does not even have feet and he is also a swimmer. You know what is stopping us from achieving what we dream? Ourselves. Nothing else. We are not focused. We are not serious about ourselves. Maybe we don't want to achieve what we are dreaming. Ultimately, what is stopping you is yourself. Do something about it before it's too late. So if she can do it, so can you. All you have to do is have faith, have focus, and best of all, don't tell this to anyone, but work hard for it. All the obstacles are there, placed intentionally so that you become stronger. And stronger you get, the sooner you will win. So with this thought, I rest my case here. Thank you for watching this short yet amazing motivational video. If you like the video, don't forget to like, hit the like button, comment down below what you think. Comment down below if you have searched her and if you are genuinely motivated from what she has achieved in her life. And then let me know how this video helps you in studies. God bless you all. Thank you. This is C. Adarsh Joshi signing off. Jai Hind, Jai Bharat.